एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आपके इंटायर मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्पेसिमेन पेपर। तो इस वीडियो में जैसे ही आप 30 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो, मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन सेट का सॉल्यूशन और हिंट्स के साथ पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो जैसे ही आप 30 लाइक्स करोगे, वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां से भी आपका टेलीग्राम नहीं ओपन हो रहा, तो तब आप क्या करोगे, तब उसके उस कंडीशन के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है, जिसमें मैंने टेलीग्राम चैनल नॉट एबल टू ज्वाइन करके जो आपकी इशू आ रही है, द साइट कैन नॉट बी रीच, ये वाली इशू मैंने उसमें सॉल्व की है। तो वो वाली वीडियो देख लेना, बस मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो होगी। जल्दी से वो वीडियो देख लेना और जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब रिगार्डिंग आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरीज, तो मैंने सारे सारे सीन सारे एक्ट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं, और मैंने सारे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के हो या ट्रेजर ट्रोव के हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैंने सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में से असेंबल करके रखा है। स्टार्टिंग के जो दो आपको आपके जो दो प्लेलिस्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो दो प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, यही दो प्लेलिस्ट आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस सेमेस्टर टू और ट्रेजर ट्रोव सेमेस्टर टू के लिए है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आना और आके ये दोनों प्लेलिस्ट को बुकमार्क या फिर सेव कर लेना, ताकि आप इस पूरे प्लेलिस्ट से अपने पूरे सेमेस्टर टू का पोर्शन कंप्लीट कर सको। टाइम कम है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू का, एंटोनियो सेज दैट ट्राइंग टू रीजन विद शाइलॉक वाज लाइक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों? देखो, इसका पहले ऑप्शन रीड कर लेते हैं। कमांडिंग द पाइन ट्रीज ऑन द माउंटेन साइड टू रिमेन क्वाइट एंड मोशनलेस व्हेन बैटर्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये तो था आपके ऑप्शन में, मैंने मार्क भी कराया था समरी वाले वीडियोज में, राइट। और इसके साथ साथ कोई कोई बच्चे कह रहे हैं कि बी भी होगा। बी क्यों नहीं होगा मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि क्वेश्चनिंग और रीजनिंग विद शाइलॉक इज जस्ट लाइक रीजनिंग विद अ वुल्फ व्हाई ही किल्ड द लैम्ब, एंड जब उसने लैम्ब को मार दिया, उसकी वजह से उसकी मदर रो रही है, ठीक है। यानी कि फाइनली वुल्फ से क्वेश्चन करना, और यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी डिस्क्राइब एज क्विक विटेड डेयरिंग लॉयल, तो इसका आंसर होगा पोर्शिया, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यंग लवर्स हुज लाइफ एंडेड ट्रेजिकली बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ लायन, इसका आंसर होगा पायरमस एंड थिस्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट डज जेसिका गिव टू लॉरेंजो एट द एंड ऑफ द प्ले, इसका आंसर क्या होगा? द बॉन्ड साइंड बाय शाइलॉक मेड लॉरेंजो हेयर ऑफ ऑल हिज वेल्थ, ओके, द स्पेलिंग इज HEIR, ठीक है, इट्स हेयर। नेक्स्ट स्पेसिमेन पेपर का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है पोर्शिया का, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट ट्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट रीड दिस पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, पेज नंबर 142। आपके पास अगर नई वाली बुक है तो उसमें पेज नंबर 142 चेकआउट करो, उसमें आपको ये वाला एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। जस्ट गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू दिस एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके जस्ट बाद से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे उसने मेनली मर्सी के बारे में कहा है, तो पोर्शिया भी कहाँ है और क्यों है यहाँ पे। तो ये सीन कहाँ होता है? ये सीन होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी कि कहाँ पे? वेनिस पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्शिया यहाँ पे क्यों है, राइट। तो पोर्शिया यहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे वो किसका केस लड़ने के लिए आई है? यहाँ पे वो केस लड़ने को आई है एंटोनियो का, शाइलॉक से बचाने के लिए उसे, फ्रॉम हिज रिवेंज एंड इन ह्यूमन बॉन्ड। नाउ टू व्हाट इज मर्सी कंपेयर इन दीज लाइन्स, यहाँ पे मर्सी को वो किससे कंपेयर करती है? यहाँ पे वो मर्सी को हेवन से गिरने वाले जेंटल रेन ड्रॉप से कंपेयर करती है, कि मर्सी इज जस्ट लाइक द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हेवन और जेंटल ड्रॉप्स फ्रॉम हेवन, इट इट कम्स विद ब्लेसिंग। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मर्सी से रिलेटेड ही है, कि मर्सी को ट्वाइस ब्लेस क्यों कहा गया है? यानी कि यहाँ पे जो मर्सी, यहाँ पे जो पूछे मर्सी की बात करिए, मर्सी यानी कि किसी के ऊपर दया शो करना या फिर किसी को माफ करना फॉर समथिंग। सो अगर आप किसी पे मर्सी शो करते हो, तो अकॉर्डिंग टू पोर्शिया, जो इंसान किसी पे मर्सी शो करता है, द वन हु शोज मर्सी ऑन द अदर पर्सन, दैट पर्सन इज ब्लेस्ड, एंड द वन ऑन हुम द मर्सी इज शोन, इवन दैट पर्सन इज ब्लेस्ड। इसीलिए मर्सी को ट्वाइस ब्लेस्ड कहा गया है। दिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट इट बिकम्स अ थ्रोन मोनार्क बेटर देन इट्स क्राउन, यहाँ पे पोर्शिया क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पे वो इस लाइन का ये मीनिंग है कि वो इंसान
जिसके अंदर मर्सी होता है वो इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा, मतलब मर्सी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। क्लियर? यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है मर्सी। एक, अब देखो, मर्सी एक किंग के सर पे रखे क्राउन से ज्यादा सूट करती है किंग पे। जो किंग के पास क्राउन है, ठीक है, क्राउन तो उसको गॉडली पावर दिखा रहा है, लेकिन मर्सी एक ऐसी पावर है जो कि गॉडली कैरेक्टरिस्टिक है, गॉडली एट्रीब्यूट है, जो कि एक किंग को सही में किंग बनाता है। सो यू कैन एलाबोरेट फर्दर। नाउ यहाँ पे आपको बताना है कि पोर्शा ने आगे स्केप्चर के बारे में कुछ कहा है। सो व्हाट्स अ स्केप्चर? स्केप्चर इज एक्चुअली अ स्टाफ, एक स्टाफ या फिर एक रॉड होता है। इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच अ किंग यूजेस, ओके, व्हिच अ मोनार्क और अ किंग यूजेस। कोई किंग, जो आपने देखा होगा, इस तरीके का रॉड होता है जो किंग यूज करता है। और ये क्या को शो करता है? ये पावर को शो करता है, अथॉरिटी को शो करता है। नाउ लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वन। तो गाइस एक सेकेंड, मैं आपको यही वाला क्वेश्चन आपको नीचे दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन नीचे में भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस में। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे है, ये रहा, व्हाट इज स्केप्चर, हाउ अकॉर्डिंग टू पोर्शिया इज मर्सी अबव द स्केप्चर्स वे। यही वाला क्वेश्चन ऊपर में भी रिपीट हो गया है। ओके, तो जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो ये वाली चीज मैं करेक्ट करके आपको दूंगी। तो यहाँ पे पोर्शा क्या कहती है कि स्केप्चर क्या है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, जो कि इनके पास जो रॉड होता है या फिर एक स्टाफ, लेट मी राइट द स्पेलिंग ऑफ स्टाफ। स्टाफ का स्पेलिंग होता है STAFF। ठीक है, तो पोर्शा यहाँ पे क्या कहना चाहती है कि ये जो मर्सी है ये स्टाफ से भी ऊपर है, ज्यादा पावर में है या फिर ज्यादा ऊंचा है। नाउ व्हाई? बिकॉज आप, अगर मर्सी आपके अंदर है, ठीक है, जैसे कि जो किंग है, जिस किंग के अंदर मर्सी है एज अ कैरेक्टर, अगर किंग के अंदर मर्सी नाम की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये उसके गॉडली पावर को डिपेक्ट करेगी। और जब उसके स्केप्चर की बात करें या फिर जो वो हाथ में स्टाफ यूज करता है, ये गॉडली पावर को शो करती है। और गॉड लाइक एट्रीब्यूट है मर्सी। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा ज्यादा हायर है इन पोजिशन टू स्टाफ या फिर आपका स्केप्चर। सो यू कैन एलाबोरेट हियर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ग्राशन और शाइलॉक का जो कन्वर्सेशन है उसके ऊपर है। ओ लर्न जज, मार्क ज्यू, अ लर्न जज, आई टेक दिस ऑफर, देन पे द बॉन्ड प्राइस एंड लेट द क्वेश्चन गो। तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि शाइलॉक ने ऐसे कहा कि मैं अपना डबल प्राइस लेना चाहती हूँ, देन दैट मीन्स मैंने बॉन्ड में जितना जितना प्राइस लिखा था, मैं उससे डबल लेकर यहाँ यहाँ से जाने को तैयार हूँ। तो ऐसा क्या हो जाता है कि शाइलॉक ऐसा कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट डज शाइलॉक सडनली, व्हाई डज शाइलॉक सडनली एक्सेप्ट टू दिस ऑफर। नाउ व्हाई? बिकॉज पोर्शिया ने कम्प्लीटली शाइलॉक को उसी के प्लान में फंसा दिया था। हिज प्लान वाज कम्प्लीटली रूइंड। ऑलराइट, नाउ ही वाज ट्रैप्ड इन हिज ओन प्लान एंड फाइनली ही हैड नो अदर ऑप्शन देन टेकिंग डबल द प्राइस। दैट मीन्स जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ओनली उसके पास यही रास्ता बच गया था कि जितना उसके पास आ सकता है, जितना पैसा वो ले सकता है, उतना पैसा लेकर वो खुद की जान बचाए और यहाँ से चलते बने। दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज डिसीजन। यू कैन एक्सप्लेन हाउ पोर्शिया डिड दीज थिंग्स एंड व्हाट वाज द फाइनल वे शी यूज। नाउ इट इज ऑफ 2 मार्क्स, सो डू नॉट राइट मच। अगेन आई विल रिपीट दिस। नाउ हु हैज मेड दिस ऑफर? हु स्टॉप शाइलॉक फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस ऑफर? सो दिस ऑफर वॉज मेड बाई बिसानियो एंड पोर्शिया स्टॉप्स हिम टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। शाइलॉक डिसाइड्स टू लीव द कोर्ट विदाउट इवन रिसीविंग द प्रिंसिपल अमाउंट। What other crime is he accused of? So, he is, firstly, उसने कौन सा क्राइम करा? फर्स्ट क्राइम तो उसने ये किया कि उसने एक वेनेशियन को मर्डर करने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की उसके मर्डर के लिए, और एक फॉरेनर होते हुए वो एक वेनेशियन को मारने की कोशिश उसने की। तो एक ये चार्ज लगा, प्लस दूसरा चार्ज ये लगा कि उसने क्रिश्चियन को मारने की कोशिश की। सो दैट इज द सेकेंड चार्ज और द सेकेंड क्राइम ही वॉज अक्यूज ऑफ। नेक्स्ट, और इसका क्या पनिशमेंट मिला? इसका पनिशमेंट ये मिला कि हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी वुड बी गिवन टू एंटोनियो एंड द रेस्ट हाफ विल बी गिवन टू द स्टेट्स ट्रेजरी। सो एंटोनियो ही आल्सो फोर्स्ड हिम टू बिकम अ क्रिश्चियन। सो दीज वर द पनिशमेंट्स गिवन टू हिम। लेटर इन द सीन, हाउ डज अ ड्यूक शो दैट ही इज मर्सीफुल? व्हाट डज शाइलॉक से इन रिस्पॉन्स टू ड्यूक्स एक्ट ऑफ मर्सी? तो यहाँ पे ड्यूक कहते हैं, यहाँ पे ड्यूक फाइनली क्या करते हैं? ड्यूक यहाँ पे फाइनली शायरों को माफ कर देते हैं और उसे ये कहते हैं कि देखो यही डिफरेंस था तुम्हारे बीच में, तुम यानी कि ज्यू के बीच में और क्रिश्चियन के बीच में, कि हम माफ कर देते हैं एंड यू आर जस्ट ऑपोजिट टू अस।
चाहे तुम्हारी चाहे हमारी कितनी भी छोटी गलती हो, यू नेवर फॉरगिव अस एंड वी हैव दिस मर्सी इनसाइड अस, क्लियर। इसके बाद शाइलो कहता है कि आपने जो मुझे माफ किया, यानी कि शाइलो का लाइफ, वो शाइलो का लाइफ नहीं लेते हैं, ही फॉरगिव्स हिम एंड आल्सो उसे घर भी उसका वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे शाइलो क्या कहता है, शाइलो कहते हैं कि आपने मुझे मेरा घर और मेरी जान बचा के कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया आपने मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास मेरा मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही मुझसे दूर हो गया, तो मैं कैसे जीऊंगा, एंड इट इज वर्स्ट फॉर मी, दिस कंडीशन इज वर्स्ट फॉर मी, सो यू कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस नेक्स्ट। ये मर्सी वाला है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वही है, ये कहाँ होता है और पोर्शा यहाँ पे क्यों है। तो देखो सारे सीन, यानी कि आपके एक्ट फोर का आपका जितना भी सीन है, ठीक है, सीन वन एंड सीन टू, यू नीड टू नो वेयर द सीन वॉज सेट एंड ऑल्सो अबाउट एक्ट 5। अब इसमें से मैं आपको हाईलाइट करा के बता देती हूँ कि कौन सा सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सीन वन एक्ट 4 का और एक्ट 5 के जो रेफरेंसेस है, जो स्टोरीज है, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए हैं, देख सकते हो आप, एक्सप्लेन दीज लाइंस टू व्हाट मर्सी इज कंपेयर्ड टू, ये सारी चीजें तो हमने कर ही ली है। अब इसका 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, टू हुम आर दीज लाइन एड्रेस, सो दीज लाइंस आर एड्रेस टू शाइलॉक एंड दिस पोर्शिया, व्हाट दिस पोर्शिया से इन रेफरेंस टू, व्हाट इज दिस पर्सन, द पर्सन से इन रेफरेंस इन रिस्पॉन्स टू पोर्शियाज वर्ड्स। तो यहाँ पे शाइलो क्या कहते हैं पोर्शिया के रिस्पॉन्स, पोर्शिया को रिस्पॉन्स देते हुए, ऑलराइट। तो शाइलो यहाँ पे क्या कहते हैं, शाइलो कहता है कि अब मेरे साथ जो भी हो, आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम लाइक यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे ही झेलने पड़ेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट, बट स्टिल मैं पेनल्टी लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक द पेनल्टी एंड फॉर फ्यूचर ऑफ माई बॉन्ड लेट मी हैव द पेनल्टी। सो लेट मी जस्ट टेल यू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट उसने कहा, लेट मी जस्ट रीड दैट स्टेटमेंट आउट फॉर यू, एंड इफ यू हैव लर्न द स्टेटमेंट दैट्स वेरी गुड, इफ यू हैवंट देन यू कैन कोट सम लाइंस लाइक लेट मी राइट हियर, लेट मी हैव द पेनल्टी, यू कैन कोट दिस लाइन, ये लाइन अगर आप कोट कर देते हो तो आपका एटलीस्ट ये वाले सेंटेंस में कोटेशन भी हो गया, आई मीन ये वाला क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का, और प्लस आपका आंसर भी स्ट्रांग हो गया, ठीक है, आंसर इज जस्टिफिएबल। नाउ पोर्शिया इज सीन एज अ ड्रामेटिक हीरोइन ऑफ दिस प्ले, यू नीड टू गिव 2 रेफरेंसेस जहाँ पे आपको पोर्शिया का रोल बहुत अच्छा लगा, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें क्या क्या रेफरेंसेस देना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ओबेडियंट डॉटर की, यू कैन गिव दैट रेफरेंस। नेक्स्ट उसने कैसे एंटोनियो की जान बचाई, यू कैन इवन गिव दैट रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, सो इन दिस यू नीड टू रीड दिस एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग दैट फॉलो, ऑलराइट। सो यू हियर द टीम बिलारियो व्हाट ही राइट एंड हियर आई टेक इट एज अ डॉक्टर कम, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोर्शिया बाल्थाजार बन के आती है जिसको डॉक्टर बिलारियो ने भेजा था, और डॉक्टर बिलारियो कौन थे, डॉक्टर बिलारियो ड्यूक के फ्रेंड थे, ठीक है, एंड ही वाज अ लर्न डॉक्टर ऑफ लॉ, दैट मीन्स ही वाज अ लॉयर, लर्न डॉक्टर ऑफ लॉ मतलब लॉयर, ठीक है। वेयर इज द सीन सेट, ये सीन कहाँ होता है, ये सीन होता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस वेनिस में। पोर्शिया यहाँ पे क्यों है, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द अबव क्वेश्चन कि यहाँ पे वो एंटोनियो का केस लड़ने आई है इन ऑर्डर टू डिफेंड एंटोनियो फ्रॉम शाइलॉक्स अनजस्ट बॉन्ड, ऑलराइट। व्हाट रीजन हैड बेलेरियो गिवन फॉर हिज एब्सेंस, यहाँ पे उस लेटर में क्या लिखा था कि बेलेरियो क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ इलनेस, एंड व्हेन दिस लेटर केम टू हिम, दैट मीन जब ड्यूक का लेटर बेलेरियो को मिला, तो उस समय बेलेरियो के साथ कौन थे, बेलेरियो के साथ पोर्शिया यानी कि बाल्थाजार था, ऐसा उस लेटर में लिखा था, रियालिटी ऐसा नहीं था, तो उस लेटर में उसने यही लिखा कि पोर्शिया आई मीन बाल्थाजार था उसके साथ, और बाल्थाजार भले एज में छोटा है बट ही इज मेच्योर एंड ही इज वेरी वाइज पर्सन, ही इज अ वेरी वाइज लॉयर एंड ही उसको सारे पूरे केस के बारे में, ही अक्वेंटेड हिम ऑफ द केस एंड फाइनली उसे केस के बारे में सारी चीजों का आइडिया है, एंड उसके जगह पे यानी कि बेलेरियो की जगह पे हु विल कम, बेलेरियो की जगह पे बाल्थाजार आएगा in order to take this case or to fight for this to take the case of Antonio. Valerio's letter stated that he had taken some measures to prepare the young and learned doctor to deal with the case. Now how he prepared him, prepared Balthazar for this case. So they had long discussions on this complete topic or this complete matter, the situation of Antonio and Shylock's conflict.
एंड फाइनली आफ्टर सो मच डिस्कशन एंड फाइनली बाल्थाजार वाज मेड अवेयर ऑफ दिस केस एंड ही वाज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन ऑर्डर टू टेक दिस केस ऑलराइट टू डील विद दिस केस. सो व्हाट वर दे फाइनली यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि दोनों के बीच में डिस्कशंस हुई, दोनों ने डिस्कशंस की, केस के बारे में स्टडी किया, काफी रिसर्च और स्टडी करके फाइनली हियर पोर्शा इज देयर और बाल्थाजार इज देयर टू टू डील विद दिस डी आई मीन टू डील विद दिस केस. नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन शाइलॉक द ज्यू एंड एंटोनियो द मर्चेंट दैट द ड्यू वाज अनेबल टू रिजॉल्व. फाइनली यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि मतलब ऐसा क्या पॉइंट था या फिर ऐसा क्या डिफरेंस था किसके बीच में, शाइलॉक और एंटोनियो के केस के बीच में, जिसकी वजह से ड्यूक इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर पा रहे थे. एंड दैट पॉइंट वॉज कि यहाँ पे एंटोनियो ने ऑलरेडी वो बॉन्ड साइन की थी और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर एंटोनियो पैसा रिपे नहीं कर पाता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड या फिर जब लास्ट डे तक उसे रिपे करना है ओके एट द एक्सपायरी ऑफ दिस बॉन्ड तो शाइलो कैन टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी और नियर टू हिज हार्ट. इसके वजह से ड्यूक कुड नॉट सेव एंटोनियो आई मीन उसको सेव नहीं कर पा रहे थे. ही कुड नॉट टेक एनी मेजर फॉर दिस. Now, how does Portia succeed in saving Antonio? Here you can explain उसने क्या क्या किया, how she ruined the plan of Shylock. Now, what does this reveal of her character? Finally, it is clear that she is loyal, she is very daring, and also she is very witty person. She is knowledgeable, she is intellectual, intelligent, and also she is a very mature and wise person. She can handle the situations efficiently. And finally, ये justify करता है कि पोर्शिया इज वेरी यूनिक कैरेक्टर और why she इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले. नेक्स्ट ये एक्सट्रैक्ट रीड करो और इसके आंसर्स दो. सो वेर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट वर यू द क्लर्क स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग. तो फाइनली ये आपका लास्ट सीन है यानी कि लास्ट एक्ट है एक्ट फाइव. इसमें जो पता चल जाता है कि पोर्शिया और नरिसा बाल्थाजार और क्लर्क के रूप में थे. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर डज द सीन टेक प्लेस, ये कहाँ होता है. सो दिस द सीन टुक प्लेस अ वेन्यू इन बेलमोंट आउटसाइड पोर्शिया हाउस. ठीक है, लेट मी राइट द स्पेलिंग ऑफ अ वेन्यू. इट्स AVENVENUE. जो वेन्यू है ना उसके आगे में आप ए लगा दो, इट्स एवेन्यू. Alright, so what had Portia directed Antonio to give to Bassanio just moments before the words was spoken? Alright, so the ring that Portia had given to Bassanio at their wedding, the ring that Bassanio had given to the young doctor of law for saving Antonio's life. So this, are you clear with this? यहाँ पे वो किस चीज की बात कर रही है, यहाँ पे वो रिंग की बात कर रही है जो कि Portia ने Bassanio को दिया था या फिर Bassanio ने किसे दिया था, Balthazar को दिया था Antonio को बचाने के लिए. Next question, Portia had just given Antonio, Bassanio and Gracchino a letter to read. Who had written this letter? What does Bassanio learn about Portia from this letter? Now, this letter was just written by Bellario. Now that Portia had been the learned doctor, lawyer at Antonio's trial. That means complete secret of this, this plan was written ki kaise Portia बाल्थाजार बन के आई है, कि सारी चीजें उस लेटर में मेंशन थी जो कि ड्यूक ने उस टाइम पढ़ा था कोर्ट के अंदर. नाउ तो ये पता चल जाता है उन लोगों को, बेसानियों को पता चल जाता है कि पोर्शिया वाज द बाल्थाजार या फिर शी वाज अ लॉयर. नाउ व्हाट गुड न्यूज डज पोर्शिया हैव फॉर एंटोनियो, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू इट. ओके, सो थ्री ऑफ एंटोनियोज मर्चेंट शिप्स फुल ऑफ रिचेस हैड कम टू हार्बर क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली सडनली इट केम. ठीक है, एंटोनियो को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो सारे वापस आ जाएंगे. उसे ऐसा लगा था कि शायद उसके सारे शिप्स रेक हो गए, लेकिन वो वापस आ गए सेफली. एंटोनियो सेज आई एम डम. ओके, सो यू कैन कोट हियर कि आई एम डम. आई एम, एंटोनियो क्या कहते हैं कि मैं डम हूँ, आई एम जस्ट स्पीचलेस एट दिस मोमेंट, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ. ऑलराइट, इसके बाद व्हाट गुड कंफर्ट दिस क्लर्क हैव फॉर लॉरेंजो. लॉरेंजो के लिए उसके पास क्या क्या गुड कंफर्ट या फिर क्या अच्छा न्यूज था. ऑलराइट, सो नरिसा टेल्स लॉरेंजो दैट ही एंड वेट अ सेकेंड, आई थिंक या वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन. फाइन,
बिल्कुल, यहाँ पे पहले मैंने आपको आई थिंक हमने ये वाला क्वेश्चन का ये वाला पार्ट स्किप कर दिया, तो इसका फर्स्ट आपको पता है कि एंटोनियो ने क्या कहा कि आई एम डम, दैट मीन्स ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज जस्ट स्पीचलेस, ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, ओके ही इज हैप्पी एंड ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ टू एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स और हाउ टू लाइक कैसे वो पोर्शा को थैंक यू कहे फॉर एवरीथिंग एंड हाउ ही कुड चेरिश दिस मोमेंट. ऑलराइट, नाउ टू होम पोर्शा रेफर एज माई क्लर्क, सो इट्स नरिसा, वट गुड कम्फर्ट डज अ क्लर्क हैव फॉर लॉरेंजो. तो लॉरेंजो के लिए उसके पास क्या गुड न्यूज था, लॉरेंजो के लिए उसके पास ये गुड न्यूज था कि ही एंड जेसिका वुड इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द वेल्थ ऑफ शाइलोक आफ्टर हिज डेथ. तो दिस वॉज अ गुड, दिस वॉज अ डीड ऑफ गिफ्ट विच वॉज साइंड बाय शाइलोक. 2016 पे आ जाओ, क्योंकि 2017 में आपके जो भी क्वेश्चन थे वो आपके रिड्यूस सिलेबस में या फिर आपके बाइफरकेटेड सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से ये चैप्टर्स या फिर ये सीन्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं था आपके उस ईयर में. और अब 2016 पे आ जाओ तो 2016 का अगेन आपका मर्सी वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन दिस इज अनदर क्वेश्चन. तो बट द मर्सी इज अबव दिस स्केप्चर्स विद, स्केप्चर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो एक किंग या फिर मोनार्क अपने हाथ में स्टाफ या फिर रॉड पकड़ता है उसे स्केप्चर कहा जाता है. Now name the speaker. Why did the speaker appeal to the law for mercy earlier? Who else in the play appealed for mercy? So at wait a second. Iska answer kya hoga? Now this question is very important. Here Portia is a speaker in disguise of Balthazar. Shylock was rigid to charge the penalty as mentioned in the bond. Thus Portia appeals to the Jew as she wants to save Antonio without resorting to any legal actions. She just wanted to save Antonio without taking any legal actions. Earlier in the play, the Duke himself and noblemen of the highest standing have appealed for mercy to Shylock, but Shylock, he did not give heed to those appeals. Shylock ने किसी की भी बात नहीं मानी and वो अपने penalty या फिर अपने जिद पे खड़ा रहा in order to take his revenge. All right? Now, what was the three qualities of mercy which the speaker has stated just above the extract? So, mercy ki kya kya qualities hai? You need to just write them down. Three qualities puchi ja rahi hai. So, the quality of mercy is divine blessing which benefits both the man who shows mercy and the one on who mercy is shown or the one who receives mercy. So, mercy is a it is the noblest quality in any king, which is even better than the crown he wears. I already told these two points ki it is double blessed aur ye king ke bare mein jo relate kar raha hai. Now mercy is above all these worldly powers or this capture or this staff. Clear? Ye teen cheez aap mercy ke bare mein likh sakte ho. So just remember these things. Now अब जैसे कि यहाँ पे आपको जो आई मीन यहाँ पे जो आपको कैप्चर के बारे में लिखना है, तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वहां पे आप ऐसे लिख सकते हो. आप देख लो यहाँ पे आपको कैप्चर्ड स्वे का स्पेलिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, जस्ट राइट कैप्चर्ड स्वे ओवर हियर. क्लियर? अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सो गिव द मीनिंग ऑफ बट मर्सी इज अबव द कैप्चर्ड स्वे. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग. नाउ हाउ डज शाइलॉक टर्न, हाउ डज शाइलॉक I mean, how does Shylock turn to this point? या फिर यहाँ पे question थोड़ा सा missing है, I guess. All right, तो यहाँ पे मतलब exactly ये कहना चाह रहा है कि Shylock अपने बात से कैसे मुकर जाता है या फिर इस point से कैसे अपना decision change करता है. Fine. तो यहाँ पे आपको exactly क्या लिखना है इस question में, question number third में. So firstly, the quality of mercy is more powerful than the king's rod of authority or his or his capture or the staff which he used, which symbolizes his power and grandeur on earth, grandeur ya fir his worldly power. Okay, and a king who is merciful has a quality of God, it is attributed to God. Now Shylock takes responsibility of all his deeds. Yahan pe Shylock kya kehta hai, Shylock kehta hai ki jo bhi kuch ho, I will be taking the responsibility of everything, all the deeds which I do. He insists to follow the course of law and enforce proper penalty according to the bond for the breach of agreement break hua, uske wajah se he wants to get the complete penalty. Now next question, what is Bassanio ready to do for Antonio in the court? Why is Bassanio snubbed immediately for the disguised Portia? All right, so Bassanio is ready to give thrice the sum of the money promised in the bond.
If the Jew thinks that it is too little, he will pay it 10 times over. He is also ready to forfeit his hands, his head, his heart for Antonio's life. That means he could give everything just to save the life of Antonio. Bassanio pleads with Portia to twist the law a little from its original course or its original way. So in order to prevent such a big wrong, he wants Portia to take a small step in order to prevent this Jew doing from such a big evil. She just wants the law to be changed just for little, ताकि इतना बड़ा crime ना हो सके, इतना बड़ा गलती ना हो सके, इतना बड़ा injustice ना हो सके. Alright, next question. Mention two prominent character traits of Shylock as highlighted through the scene from the extract has been taken. Substantiate your answer with examples from the text. Alright, तो यहाँ पे ये 4 marks का question है, so you need to write it properly. Now Bassanio is ready to hear exactly आपको यहाँ पे क्या लिखना है. यहाँ पे आपको 2 prominent traits लिखने हैं किसके, शाइलॉक के, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या लिखना है जो कि यहाँ पे इस सीन में हाईलाइटेड है. ओके, सीन में हाईलाइट हुआ है. सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको यहाँ पे टेक्स्ट का एग्जांपल से शाइलॉक के कैरेक्टर को अच्छे से समझाना है, हाईलाइट करना है. तो गाइस, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने हिसाब से और इस सीन को आपने कैसे समझा है उस हिसाब से लिखना है. अब 2015 के क्वेश्चन पे आ जाए, क्योंकि 2015 के बाद आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये वाला बुक आपका 2015 से ही आया था, इससे पहले एज यू लाइक इट था. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड दैट एंटोनियो हैज साइंड. तो उसका टर्म्स क्या था, उसका टर्म्स ये था कि द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड दैट एंटोनियो हैज साइंड वॉज वेरी हार्श. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, Shylock will be entitled to have a pound of flesh from any part of Antonio's body if Antonio fails to repay the sum of 3,000 ducats which was borrowed by Antonio from Shylock. So this was a complete statement of the bond. So you can explain it more in your own words. Next question number 2. Why does Duke call Shylock inhuman? Because of his inhuman activities. मतलब यहाँ पे वो ह्यूमन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा, वो रिवेंज लेने के लिए इतना पागल हो चुका है कि वो ये तक भूल गया है कि यहाँ पे एंटोनियो की जान चली जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिवेंज. ऑलराइट, इसकी वजह से वो उसके इस रिक्वेस्ट को या फिर उसके इस केस को इनह्यूमन मान रहा है या फिर उसे इनह्यूमन कह रहा है. ओके, ही ऑल्सो कॉल्स हिम स्टोनी एडवर्सरी. सो यू कैन राइट दिस थिंग, आप ये वाला छोटा सा वर्ड डाल सकते हो, कीवर्ड स्टोनी एडवर्सरी, कोटेशन के रूप में छोटा सा ये वर्ड डाल दो, आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. नाउ व्हाट डज द ड्यूक एक्सपेक्ट शाइलॉक टू डू. ड्यूक ये एक्सपेक्ट करे कि थे कि शाइलॉक लास्ट में मान जाएगा, मतलब एंटोनियो से उसका पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं लेगा. ओके, ही एक्सपेक्ट शाइलॉक टू बी मर्सीफुल एंड नॉट विंडिक्टिव और मिलीशियस. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डज शाइलॉक गिव फॉर चूजिंग रॉटन फ्लैश ओवर मनी. शाइलॉक क्या रीजन देता है कि वो इस फ्लैश को लेना चाहता है इन प्लेस ऑफ मनी. व्हाट आर द थिंग्स हेटेड बाय सम पीपल. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे शाइलॉक प्रिफर्स टू हैव अ डेड फ्लैश और टू हैव द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो इंस्टेड ऑफ 3,000 ducats. नाउ फॉर दिस ही गिव्स नो अदर रीजन देन हिज विश. ही सेज कि मेरा विश है, आई वॉन्ट टू हैव इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर इट. इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहता. He says कि अगर कोई इंसान कोई चीज से नफरत करता है तो फिर वो उस चीज को नहीं पसंद करता. फॉर एग्जाम्पल, उसने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, गैपिंग पिग यानी कि ओपन माउथेड पिग, ऐसा पिग जिसका मुंह खुला हो, ठीक है. उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है कि बहुत सारे लोग कैट्स पसंद नहीं करते, कुछ कुछ लोग क्या नहीं पसंद करते, बैक पाइप की आवाज पसंद नहीं करते. तो क्या इसका कोई रीजन है, इसका कोई रीजन नहीं है. तो सिंपली मुझे भी एंटोनियो पसंद नहीं है, तो इसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है. तो यहाँ पे आप ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट 3 examples एंटोनियो गिव्स टू इलस्ट्रेट शाइलॉक स्टबर्न एटीट्यूड. तो यहाँ पे एंटोनियो क्या क्या रीजन देता है शाइलॉक के स्टबर्न एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए. वही तीन लाइन जो आपको स्टार्टिंग के एमसीक्यू में जो मैंने बताए थे ना, बस वही सारी चीजें. इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो एंटोनियो क्या कहता है कि बसानियो, शाइलॉक के साथ बहस करना बहुत बेकार चीज है, इसकी बातें बहुत बेतुकी होती हैं. इसकी बातें बिल्कुल इसी तरीके से हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज हिज वर्ड्स और ही आर्ग्यूज दैट एज लाइक वो जिस तरीके से आर्ग्यू करता है, इट इज अलाइक
यूजलेस लाइक टू आस्क, मतलब जैसे वो आर्ग्यू करता है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप किसी टाइट से अगर आर्ग्यू करते हो, अगर किसी टाइट को कहते हो कि अपनी हाइट डिक्रीज करो, तो क्या वो अपनी हाइट डिक्रीज करेगा? ऑब्वियसली नॉट, है ना? तो मतलब शाइलॉक बिल्कुल इसी तरीके से है, वो इतना इतना बेकार इंसान है, मतलब कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा, ही जस्ट केयर्स अबाउट हिज ओन मलीस एंड हिज ओन सेल्फिशनेस। इसके बाद वो क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल वो क्या देता है, वो देता है कि अगर किसी वुल्फ ने किसी लैम्ब को मार दिया हो और उसकी माँ उस लैम्ब के मरने पे रो रही हो, तो आप अगर वुल्फ से जाके क्वेश्चन पूछोगे कि उसने क्यों मारा, तो आपको जवाब मिलेगा ऑब्वियसली नॉट। एंड लास्ट पॉइंट वो क्या देता है कि वन माइट एज वेल फॉरबिड द पाइन ट्रीज ऑन द माउंटेन्स टू वेव देयर हाई टॉप्स एंड टू मेक अ नॉइज व्हेन डिस्टर्ब बाय द पीस बाय द विंड्स ऑफ हेवन। तो गाइस यही तीन एग्जांपल्स हैं जो कि एंटोनियो देता है। ऑलराइट, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि आपको इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अच्छे से कराया भी था। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ जहां से आपको ये वाली एक्सट्रैक्ट मिल जाएगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। अगर आप पुराना वाला बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें पेज नंबर ऑलमोस्ट, अगर आप पुराना वाला बुक यूज कर रहे हो तो उसमें आपको पेज नंबर 99 में मिल जाएगा, और अगर आप न्यू बुक यूज कर रहे हो, और अगर आप न्यू बुक यूज कर रहे हो तो लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। यू विल फाइंड दैट इन पेज नंबर 141, आप पेज नंबर 141 ओपन करो, उसमें आपको एंटोनियो का मिल जाएगा कोटेशन, एंटोनियो का एंटोनियो के सेंटेंसेस मिल जाएंगे उसका एक्स्ट्रा, वहां से आप रीड कर लो, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप चाहे तो ये सारी चीजों को आप याद भी कर सकते हो, बट आई विल प्रिफर गोइंग थ्रू देम, लाइक आप अगर समझ लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, और कुछ कीवर्ड्स देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आ जाओ तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज शाइलॉक्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड बाय एंटोनियो। एंटोनियो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक शाइलॉक डिजर्व्स द पनिशमेंट गिविंग टू हिम, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो गाइस इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज टू बी थॉट अबाउट यू, बट ये बाकी के पार्ट्स मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। Now, though the Duke orders half of Shylock's property to go to Antonio, while the other half will go to the state treasury, Antonio remarks that he does not want to claim half of Antonio's property. He adds that he would like to be give it would be like he would like it to be given to Jessica and Lorenzo after Shylock's death. So finally, उसकी property किसको मिल जाती है? उसकी बेटी और उसके उसके son-in-law को मिल जाती है। जब उसका जब वो मर जाएगा तब उसकी प्रॉपर्टी किसके हवाले हो जाएंगी? उसकी बेटी और उसके सन इन लॉ के लिए, उसकी बेटी और उसके सन इन लॉ के लिए। नाउ आई थिंक शाइलॉक हैज बीन हार्शली ट्रीटेड, इट टोटली डिपेंड्स, मैंने जो यहाँ पे आंसर लिखा है टोटली डिपेंड्स, आप ये भी लिख सकते हो उसके साथ जो हुआ ये बहुत ज्यादा हार्श था, या फिर ये भी लिख सकते हो जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स लिखना है, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है कि आपको क्या लगता है सही हुआ या फिर नहीं, और ये वाला जो क्वेश्चन मिस आउट हो गया है। लेट अस डू दिस नाउ। स्टेट एनी थ्री एग्जांपल एंटोनियो गिव्स टू इलस्ट्रेट शाइलॉक्स स्टबर्न एटीट्यूड। नाउ अगेन फॉर दिस हमने आई थिंक हमने यही वाला क्वेश्चन किया ना, यही वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसके लिए मैंने आपको पेज नंबर 141 बताया था। सो गाइस वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दीज क्वेश्चन। नाउ वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि देखो आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन और हार्ड होते, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन की तलाश में हो, बट एट दिस टाइम आई विल सजेस्ट यू ट्राई राइटिंग मोर एंड मोर। आप जितना ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करते हो इन कंपेरिजन टू डीलिंग विद मोर हार्ड क्वेश्चन, इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप ज्यादा लिखने की कोशिश करो। आप जितने इफेक्टिवली लिख पाओगे, यानी कि मेरी मार्क्स आपको किस चीज पे मिलता है, आप कितने अच्छे से समझा पाते हो विद इन द वर्ड लिमिट, और लाइक आपको 3 मार्क्स का दिया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स में कितने अच्छे से आप समझा पा रहे हो उस आइडिया को, बस उसी पे आपको मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन तो आपको आपको दिख रहे हैं कि क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, बस आपके तरीके पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बस वही एक क्राइटेरिया है।
गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि मेरे क्लास टाइम में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको 98-97 मार्क्स मिले थे, जो कि एक्चुअली डिजर्व, मतलब डिजर्व करते थे या नहीं करते थे वो तो मैं नहीं कह सकती, बट ये मतलब पहले उनके मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आते थे, बट लाइक बोर्ड एग्जाम्स में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए उन बच्चों के। तो बस यही कह रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप बहुत स्कोर कर सकते हो और ट्रेजर ट्रोव में। जस्ट द थिंग इज कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड कोटेशन में आपको कहूंगी कि आपको कोटेशन लर्न करने की जरूरत नहीं, आपने जितनी लर्न करी उतनी करी। अब क्या करो, अब बस कीवर्ड्स देख लो थोड़े बहुत, जैसे कि मैंने बताया गैपिंग पे, ये सब चीजों को अब बस कोट कर दो छोटे छोटे वर्ड्स को, बस उससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना। और अपने सेंटेंस में, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद एक लाइव सेशन होना है जिसमें हम सारे क्वेश्चंस आपके देखेंगे, जो आपके डाउट्स हैं और आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, और साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट भी बता दूंगी जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो गाइज वी आर डन डन विद दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।